नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का झांसी का टंडन रोड इलाका है जो आप मार्केट संवाद पर देख रहे हैं। अब जैसा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब पहलवान अखाड़े में आ चुके हैं और झांसी में फिर भाजपा ने रवि शर्मा पर भरोसा जताया है। संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से सीताराम कुशवाहा माने जा रहे हैं, भाजपा से कैलाश साहू जी माने जा रहे हैं संभावित प्रत्याशी। कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है पत्ते खोलने में। अब पत्ते ही नहीं खुल पा रहे हैं कांग्रेस के, तो अब आगे क्या होगा ये तो भगवान मालिक है। और ये टंडन रोड की अपडेट है आप जो देख रहे हैं झांसी की। मार्केट संवाद चैनल निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और हर एक एक व्यक्ति से जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाता है और हम आपको जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। आप बस घर पर मार्केट संवाद देखते रहें, आनंद उठाएं सर्दी में, और सर्दी काफ़ी है, घर से ना निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। और हम पूछते हैं कि अब क्या है हाल, क्या है राय, क्या है लोगों की, किसको बनाना चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार। मर्जी है ऊपर वाले की, अब क्या क्या मर्जी तो तुम्हारी भी है। नहीं नहीं, मन की बात कोई नहीं बताएगा, कहो भाई दिल की बात। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, तीसरी बार फिर से रवि पर भरोसा जताया है भाजपा ने और भी पहलवान अखाड़े में कूदेंगे, तो अब की बार किसकी सरकार। हमारे यहाँ जो विधायक अच्छा काम करेगा उसकी सरकार, सरकार से हमें क्या मतलब, हमारे शहर में जो विधायक अच्छा काम करेगा। तो अभी रवि शर्मा, अभी रवि शर्मा वर्तमान में विधायक हैं, तो क्या फिर दोबारा बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। धन्यवाद सर। भाई साहब नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार। अखिलेश मायावती कांग्रेस। भैया अपन तो बीजेपी के हैं। अपन अब की बार किसकी सरकार। बीजेपी की सरकार अंदर। अखिलेश मायावती कांग्रेस। नहीं। किसकी सरकार। आपका चैनल अंकल बहुत अच्छा है, आपके चैनल में बहुत सी न्यूज मिलती है और झांसी के लिए भी अच्छा है। आपका चैनल सब्सक्राइब भी करता है और भी लोगों के लिए शेयर करता हूँ। तो आप हमारा चैनल देखते हैं सर। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या सब्सक्राइबर हैं हमारे। हाँ। बड़ी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, कमेंट भेजते रहें, हमें बताएं अपनी राय, देखते रहें मार्केट संवाद। अब की बार किसकी सरकार। अब क्या कहने साहब, सरकार तो ठीक ही ठाक है, जिसकी बनना होगी। अब की बार किसकी सरकार। बिना सोचे समझे सरकार आनी है भाजपा की, क्या होना होगा। बिना सोचे समझे तर्क करा आपने, एक कैसा तो, तर्क है। नहीं हम लोग तो हैं भाजपा वाले, लेने वाले, लेकिन वो तो नहीं भी आएगी तो आएगी। मतलब नहीं भी आएगी तो आएगी, बीजेपी को ही आना है। अच्छा नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार। साहब अगर समय की मांग को देखा जाए तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी, क्योंकि गुंडागिरी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने अंकुश लगाया है और हमारे हिसाब से कुछ काम बीजेपी के अच्छे हो रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए फिर से बीजेपी की सरकार को ही सपोर्ट करेंगे। अखिलेश ने भी वादा किया 300 यूनिट बिजली देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और कई उन्होंने घोषणा की है। ऐसा अखिलेश सरकार ने जब उनका कार्यकाल था तब क्यों नहीं किया। मायावती के बारे में क्या ख्याल है। मायावती की तो देखिए साहब कहानी, इस समय यूपी में कुछ फिजा चली नहीं रही है और अखिलेश सरकार ने जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं किया। तब तो स्थिति ये थी कि दिन भर में 4 घंटे बिजली मिलती थी, आज कम से कम 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल तो रही है। धन्यवाद भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार। ये तो साहब 10 मार्च को पता चलेगा सर। तो आपन कहने बना रहे सरकार। अब ये फिर अगर ऐसे बताने होता तो सर जी वोटिंग। नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार। मिक्स में आएगा, देखो क्या था अपना, तो अपना तो सभी का सपोर्ट है। सभी पे डालोगे। गल जी नमस्कार, नमस्कार। अब चुनाव आने वाले हैं 2022 के, तो किस मुद्दे पे वोटिंग करोगे, रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली, किसको बनाओगे अब मुख्यमंत्री। अब किसको क्या कह दे, सभी है,
अखिलेश हैं, मायावती हैं, कांग्रेस हैं, योगी जी हैं, कितने बनाओगे इस बार? अपन तो योगी को बनवाएंगे। योगी को, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, ऐसे ही है। भाई साहब नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की। आप सेठ जी को बैठे। अब की बार किसकी सरकार? हमारे हिसाब से जो देश प्रदेश में शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उसके लिए काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो सरकार कोई भी हो, आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारी जो जरूरतें हैं आम आदमी की, उसको सरकार कितना सीरियसली लेती है। और जो भी सरकार बने, हम लोग तो सभी लोग मजदूर वर्ग है, तो काम कर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। अखिलेश, मायावती, कांग्रेस? बीजेपी, योगी जी। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? सबको पता ही है, वो तो क्या योगी सरकार। अखिलेश, मायावती, कांग्रेस? फिलहाल इस बार चांस नहीं है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार? अब जिसकी तुम बनवा दो भैया, हवन का कर सकते। वोट तो तुम्हें देने, तो कोई को भी दे देंगे। सबको दे दो। कहा सोच रहे? सोच रहे बाजार में ग्राहक आए। अब की बार किसकी सरकार? जो काम अच्छा करे उसकी सरकार। किन्ने करो काम अच्छो? काम देखेंगे हम लोग, हैं लोग को देखने। देखने हैं वो कोरोना फैला, मास्क लगा लियो। हाँ, नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? की बार अखिलेश की सरकार। और योगी जी की? योगी जी ने जो काम करने था उन्हें करा ही नहीं अभी तक। क्या करना चाहिए था? रोजगार उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया इस बार। मायावती, कांग्रेस? मायावती कांग्रेस की तो कोई दिख ही नहीं रहा इस समय। क्यों नहीं, इस स्तर पे तो है ही नहीं वो। दोनों सरकार है तो प्रत्याशी। हाँ, प्रत्याशी तो है मगर जमीनी स्तर से जुड़े हुए तो है नहीं। धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो अपनी है सरकार। अब किसकी बनेगी सरकार? अब किसकी बता दें अभी से। अपनी बनेगी। अपनी बनेगी। और कोरोना फैला, मास्क लगा लियो तो ना। हाँ, नहीं घुट जाए अंदर। हाँ, अच्छा नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? अब देखो किसकी आती सरकार। किसकी सरकार? क्या बता देंगे, आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं किसकी आ रही है। क्यों, अखिलेश है, मायावती है, कांग्रेस है, योगी जी है, क्या बता सकते, कंफर्म नहीं कह सकते। और तुम्हारे और ये अभी एक और आए हैं हैदराबाद से, चचा जान ओबीसी। अब कंफर्म नहीं कह सकते किसकी सरकार है, टक्कर तो भाजपा बीजेपी और सपा में है, दो में है। किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी वापस भाई साहब। अच्छा, महाराज जी वापस आएंगे दोबारा। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा लगा योगी जी का? आप योगी जी का क्या अच्छा लगा? एक आध अच्छा काम बताओ। योगी जी ने भय मुक्त व्यापार करवा दिया है हमारा। वो तो मायावती ने 2007 में ही भय मुक्त किया था। अच्छा, फिर वो रिपीट नहीं हुई थी। मायावती ने भी किया था। हाँ, हम तब छोटे थे, हमें पता नहीं। तो अब किस मुद्दे पे वोट दोगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार? ना तो कोई स्वास्थ्य सही करता है और ना कोई शिक्षा सही देता है भाई साहब। 2 साल से बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को कोई समझ में नहीं आ रहा और माँ बाप की हालत बहुत खराब तो है। कोरोना काल इतना भयानक चल रहा था कि आपने देखा ऑक्सीजन और लोग मतलब मृत्यु हुई लोगों की, तो मतलब जरूरी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए? तो भाई साहब फीस आधी करवा देते, कुछ तो सरकार की तरफ से मिल जाता। उन्होंने कहा तो था कि अभी फीस ना ली जाए, थोड़ा थोड़ा करके ली जाए। कौन सा स्कूल मान गया फीस आधी लेने से? तो आपकी पीड़ा है मतलब? तो आप किस पे उतारोगे अब पीड़ा? हम किस पे उतारेंगे, गरीब आदमी हम तो कसम। नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। होते काय देख रहे थे? अब कितने नहीं देख रहे हैं भाई साहब? नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार बता दो। की बार अखिलेश। की बार किसकी सरकार? की बार किसकी सरकार? अखिलेश। अब की बार किसकी सरकार? मोदी आया। किसकी सरकार अब की बार? हमारे हिसाब से समाजवादी। अगले और योगी? योगी नहीं। मायावती कांग्रेस? मायावती कांग्रेस तो नहीं, समाजवादी पार्टी। ये जनता ने अपनी अपनी राय रखी है,
और जनता की आवाज जनता तक देखते रहे मार्केट संवाद। अब की बार किसकी सरकार? वही आएगी, बीजेपी तो मारेगी। और अखिलेश जी? अखिलेश जी मुश्किल है। मायावती कांग्रेस? अब की बार? अब की बार योगी सरकार। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।